फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं। बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान। महंगाई से परेशान आम जनता को राहत देने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने खाने वाले तेल की कीमत पर अंकुश लगाने के लिए कच्चे पाम तेल पर लगे टैक्स को घटा दिया है, जिससे आम जनता को खाने के तेल की महंगी कीमत से राहत मिल सके। टैक्स में कटौती से खाने वाले तेल की कीमतों में कमी आएगी। सरकार ने टैक्स को 7.5% से घटाकर 5% कर दिया है, यानी टैक्स में 2.5% की कटौती की गई है। घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों में और वृद्धि को रोकने के लिए भारत सरकार ने कच्चे पाम तेल के लिए कृषि शेष में कमी की घोषणा की है। भारत सरकार ने सोमवार यानी कि 14 फरवरी को घोषणा की कि कच्चे पाम तेल CPO पर कृषि शेष को पहले से 7.5% से घटाकर 5% कर दिया। ये फैसला 12 फरवरी से लागू हो गया है। इस कदम में CPO और रिफाइंड पाम तेल के बीच आयात कर अंतर बढ़कर 8.25% हो गया है। CPO और रिफाइंड पाम तेल के बीच अंतर को बढ़ाने के कदम से घरेलू रिफाइंडिंग उद्योग को रिफाइनिंग के लिए कच्चे तेल का आयात करने में लाभ होगा। भारत सरकार ने कच्चे पाम तेल, कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर आयात शुल्क की वर्तमान मूल दर को 30 सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया है। आधिकारिक बयान में ये भी उल्लेख किया गया है कि इस कदम का उद्देश्य देश में खाद्य तेलों की कीमतों की जांच करना है। वहीं केंद्र के बयान में स्पष्ट किया गया है कि इस कदम से बाजार में खाद्य तेलों और तिलहनों की जमाखोरी, कालाबाजारी आदि जैसी अनुचित प्रथाओं पर अंकुश लगाने की उम्मीद है, जिससे खाद्य तेलों की कीमतों में कोई वृद्धि हो सकती है। ऑयल इंडस्ट्री को 15 फरवरी यानी कि आज एक बैठक के लिए बुलाया गया है, ताकि उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया जा सके और राज्य सरकारों को स्टॉक सीमा आदेश को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया। इससे पहले सरकार ने कच्चे पाम तेल के आयात पर लागू शुल्क को 8.25% से घटाकर 5.5% कर दिया था। मलेशिया बाजार में तेजी के बीच कच्चे पाम तेल पर सीमा शुल्क में कटौती से दिल्ली तेल तिलहन बाजार में इसकी कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं हल्के तेल की मांग बढ़ाने से सोयाबीन, सरसों और मूंगफली तेल की कीमतों में मजबूती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।